हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू न्यू वीडियो टेक ऑटो। मेरा नाम है आयुष और आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ मारुति सुजुकी की न्यूली लॉन्च रॉन, जो कि एक बलेनो बेस्ड एसयूवी है। और आप देख सकते हैं हमने वीडियो स्पेशली मोटर्स को आपने जाकर के बनाया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस कार के सारे ही फीचर्स और इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। एंड ये कार कितनी अच्छी लगी मेरे को इसमें बैठने के बाद, वो भी सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टा पे भी फॉलो नहीं करा तो आप भी जाकर फॉलो कर लें। सो फ्रंट में अगर दिखाएं तो फ्रंट में यहाँ पर आपको LEDs देखने के लिए मिल रहे हैं, नीचे आपका ट्रायो हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर आपको अगर बताया तो ये ग्रिल जैसा मेरे को ना विटारा का ग्रैंड विटारा में जैसा ग्रिल आया वैसा वैसा दिख रहा है सामने से सॉर्ट ऑफ। एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, क्रोम एंड ग्लॉसी फिनिश में आ रहा है। नीचे आपको स्कर्ट प्लेट्स वगैरह सब कुछ देखने को मिल रहा है। बाकी जो कलर स्कीम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगी है मेरे को तो। एंड रिक्वेस्ट सेंसर्स आपको डोर पर देखने को मिल जाता है। बाकी एक बार अंदर चलते हैं तो फिर अंदर दिखाते हैं आपको अंदर कैसा स्पेसिंग वगैरह मिल रहा है कार में। तो ये गाइस आपको ये कार साइड से बलेनो लग रही होगी, बड़ी बलेनो नहीं है। एंड इसका जो नेम है काफ़ी ज़्यादा अजीब सा नाम रखा है मारुति ने, ऐसे जैसे नाम रखता नहीं है मारुति कि लिए ना जाए। और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखें फ्रॉन, फ्रॉन इसका नाम है मारुति सुजुकी फ्रॉन। एंड ये स्मार्ट हाइब्रिड कार होने वाली है। इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन मिल रहे हैं, 1 लीटर एंड 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये बेसिकली जो कॉम्पिटिटर होने वाली है रेनॉल्ट काइगर एंड आपका निशान मैग्नाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ कॉम्पिटिटर आ गया है। एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है यार, कलर स्कीम देखे डुअल टोन में, ऊपर ग्रिल से आपको रूफ रेल्स मिल रही हैं, पीछे वाइपर देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कार मेरे को तो लग रही है। बैक में भी देखोगे तो आपको ये पूरा LED लाइट सेटअप देखने को मिल जाता है, 4 पार्किंग सेंसर्स आपको मिल रहे हैं, प्लस आपका रिवर्स कैमरा भी आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा है। सो दिखा देता हूँ एक बार पास से, सब कुछ इसमें देखने को आपको मिल रहा है कार में। एंड ऊपर आपका शॉक फिन एंटीना भी दिया गया है। काफ़ी प्रीमियम शॉर्ट कार लग रही है। मैं एक बार इसका बूट में जो है थोड़ा स्पेस कम हुआ है, एक बार आपको बूट भी दिखा देते हैं। देखें बूट ओपन हुआ है एंड सीट इसमें 60/40 के रेशियो में डिवाइडेड सीट्स हैं। कोई भी मतलब बूट स्पेस काफ़ी सही, प्रीमियम बूट स्पेस होने वाला है कार का। बाकी मैं एक बार अंदर भी जाता हूँ, अंदर भी आपको दिखा देता हूँ अंदर कैसी है कार। अलॉयज़ यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर डायमंड कट अलॉयज़ देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी रिच एंड प्रीमियम है। एंड ये 16 इंचिस के अलॉयज़ देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड ये स्मार्ट हाइब्रिड कार है, काफ़ी सही है ये स्मार्ट हाइब्रिड। एंड जो इसका हाइट है वो 1550 mm की हाइट काफ़ी सही मिल जाती है। बाकी इसमें 360 डिग्री कैमराज वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल ही रहे हैं। तो आगे का स्पेसिंग है, आगे ना थोड़ा थाई सपोर्ट कम है आपको, बट स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड स्टीयरिंग आप देख सकते हो, डी शेप स्टीयरिंग, प्लस आपके सारे के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल वगैरह। एंड यहाँ से इसमें ना ये MID कंट्रोल आपको यहीं देखने के लिए मिलता है। तो इसमें अभी की नहीं है तो इस वजह से ये इसका कुछ भी सेटअप ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ पर एनालॉग ही देखने के लिए मिल रहा है, सेंटर में आपको MID डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको 9 इंच का टच स्क्रीन दिख रहा है, जो कि वायरलेस एप्पल कार प्ले आता है एंड एंड्रॉयड ऑटो आता है, तो वो भी अच्छा है। नीचे आपको इसमें वायरलेस चार्जिंग स्लॉट वगैरह, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। और आर्मरेस्ट इसका एडजस्टेबल आर्मरेस्ट है एंड डिसेंट छोटा सा स्पेस है इसमें। एंड लैक एक बार यहाँ पर भी दिखा देते हैं, तो ग्लव बॉक्स भी डिसेंट स्पेस के साथ आता है। इंटीरियर क्या हो तो डुअल टोन इंटीरियर है, काफ़ी प्रीमियम सॉर्ट ऑफ इंटीरियर देखने के लिए मिल रहा है कार का। एंड इसमें मीन जैसे ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको ना पेडल शिफ्टर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी इसमें 2 ही गियर पेडल्स हैं, इधर की साइड आपके सारा मतलब हेड अप डिस्प्ले भी आता है, तो उसका यहाँ पर स्विच है। एंड बाकी के आपका व्यू के लिए 360 डिग्री व्यू, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, प्लस आपके विंडो कंट्रोल्स, आपका सॉफ्ट टच के कंट्रोल्स एंड आपका IRBM यहाँ पर ऑटो IRBM देखने के लिए मिल जाता है। बाकी तो जैसे AC वेंट्स आते हैं मारुति में वैसे ही पार्ट शेयरिंग के AC वेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं।
सारा इसमें पार्ट शेयरिंग का ही ज़्यादा देखने को मिलेगा मारुति में तो। एंड इसका जो गियर लीवर है, आपको यहाँ से आप ये अभी शायद लॉक है, ये पार्किंग से जा नहीं रहा है कहीं भी, एंड ये हैंड ब्रेक है। इसमें सीट देख सकते हो आप, सीट इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सीट्स है। सीट की जो ग्रिपिंग है बहुत सही है, साइड होल्डिंग जो कहते हैं ना सीट्स की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी मेरे को लगी है साइड होल्डिंग्स। प्लस जो इसके सपोर्ट्स है, साइड सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा प्रीमियम साइड सपोर्ट्स मिल रहे हैं। 8-way एडजस्टेबल सीट मिल जाती है कार में। ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसके हेडरेस्ट भी सारे एडजस्टेबल है, तो ये एक टॉप वेरियंट होने वाला है। और ये रिवील कर दी गई है कार पर, प्राइसिंग अभी आई नहीं है, जैसी प्राइसिंग आती है वो हम तब बताते हैं। बाकी आपको इसमें आप 6 स्पीकर्स मिल रहे हैं, 2 ट्विटर्स एंड 4 स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एक बार मैं दिखाना चाहूँ तो आपको हुड भी दिखा सकता हूँ वैसे, चलो बट इतना काफ़ी था। आपका कप होल्डर्स वगैरह सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिक जो कॉम्पिटिटर होने वाला है निशान की मैग्नाइट एंड काइगर का, क्योंकि इसका भी इंजन 1 लीटर एंड 1.2 लीटर इंजन ऑप्शंस में ही आपको कार देखने के लिए मिल रही है। बाहर का पूरा बोनट इजीली विजिबल है। ये वाला जो वेरिएंट था ये मैनुअल था जिसमें मैं पहले बैठा था, बट मेरे कैमरे ने पता नहीं क्या करा, वीडियो ही सेव नहीं हुआ, तो इसलिए ये क्लिप में से मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैनुअल है, 5 स्पीड गियर मैनुअल मिलेगा इसमें आपको। सो गाइस थोड़ा सा एक बार दिखा दो, तो अंदर का जो स्पेसिंग है, विशाल की हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी हाइट है विशाल की, और विशाल के पैर काफ़ी सही आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है बैक सीट पे तो स्पेसिंग का। एंड या पीछे के लिए ये कहूँगा कि 2 ही अडल्ट बैठ पाएंगे पीछे पीछे, यहाँ पर आप 3 अडल्ट तो एडजस्ट नहीं कर सकते। 3 हेडरेस्ट हैं, 3 सीट बेल्ट्स हैं, आइसोफिक्स सीट्स वगैरह सब कुछ मिल रही हैं, सब देखने को मिल जाता है। सॉफ्ट टच है यहाँ पर, आप देख सकते हो ये सारा सॉफ्ट टच है। एंड ये आपका कार्बन फाइबर दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी में है, ये भी बड़ा सही लग रहा है ये सॉर्ट ऑफ टच। एंड ऊपर आपका नॉर्मल लाइट दी गई है, एंड नीचे आपके चार्जिंग स्लॉट प्लस आपका एसी वेंट्स वगैरह। तो स्पेसिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और प्रीमियम रखी गई है कार की। ये वाला जो वेरियंट है ये ऑटोमेटिक है, इससे पहले मैं मैनुअल में बैठा था। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।